बता दूं कि जंगल का खामोशी देखकर ये न समझे कि जंगल खाली है, क्योंकि हो सकता है शेर सो रहा हो। तो इस तरीके से काफी रोमांचक मुकाबला चलता हुआ इस समय यूपी और बिहार के बीच खेल पूरा शुरू होता हुआ। स्ट्राइक पे पंकज, नॉन स्ट्राइक पे नूर और बॉलिंग छोर पे नॉन स्ट्राइक, दोनों ही टीमें इस टूर्नामेंट का हीरो रह चुकी है, चैंपियन रह चुकी है दोनों ही टीमें। नॉन स्ट्राइक चले पंकज के लिए, इस बीच में गेंद और लंबा प्रहार और कमर वाली के ऊपर से गेंद खेल के लिए काफी लंबा छक्का और इंटरनेशनल प्लेयर की तरह बल्लेबाजी करते हुए छोटे को के खिलाड़ी पंकज इस 6 रन की मदद से बढ़ता हुआ इसको 43 रन। इस बीच के और धीरे धीरे अब यहाँ पंकज के बल्ले से रखना शुरू हो गया है और अगर इस तरह से बल्लेबाजी करते रहे पंकज को लगभग 10 ओवर में ही ये फिर सुधारेगा। तो इस तरीके से पावर प्ले समाप्त होता हुआ 6 ओवर समाप्ति के बाद शिवांकन 149 रन कोर्ट के नुकसान बाद इस साइड पर नूर और आपके पानी का बात संभालने के लिए आए हैं शुभम। शुभम से नूर के लिए इस बीच से गेंद फूट और गेंद और फायदा उठाते हुए उसे खेल दिया सीधा मिड और कॉर्नर से गेंद खेला तो इस तरीके से बढ़ता हुआ स्कोर क्या पहुंचा 55 के ऊपर। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई शिवान की टीम कौन जीतेगा? अरे यार थोड़ा साफ तो बोल, समझ में नहीं आया क्या कह रहा है? इस बीच ये गए और यहाँ 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे कुछ न लगे के बाद तो इस तरीके से एक और अंक जाता होता हुआ इसको जा पहुंचा 57 के ऊपर। इस टाइम पे नो लोग जब की सामना करेंगे सुबह में गेंद का, आप लोग बताएंगे कौन सी टीम जीतेगी?
इतना ज्यादा एनर्जी से बोल रहे हैं। तो इस तरीके से सात ओवर समाप्ति के बाद सिवान टाइम्स को 57 रन 2 विकेट नुकसान पर और अब के बारी का भाग संभालने के लिए आए हैं पप्पू खान है। गेंदबाजी के लिए इस साइड पर है छोटे करके खिलाड़ी पंकज खाते में जुड़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 8 के ऊपर पप्पू चले बीचे गए धीमी गति के गेंद समझ नहीं पाए और फिट हुए बैट्समैन विकेट कीपर ने गेंद को फिट किया। स्कोर अभी भी 58 पप्पू चले।